एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, एलिप्स एकेडमी, मुजफ्फरपुर। ओके, लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था, नोमेनक्लेचर तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, ठीक है। उसमें नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने पढ़ा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसको कार्लस लिनियस ने हम लोगों तक पहुँचाया था, ठीक है, जिसमें हम लोग जीनस प्लस स्पीसीज नेम का यूज करते थे। और मैंने आपको रूल भी सारे का बता दिया था कि कौन कौन सा रूल हम लोगों को यूज करना होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, कौन कौन सा पार्ट आता है जिसका हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसमें आज हम लोगों को देखना है, जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो टॉपिक है हम लोगों का, ठीक है। उसमें हम लोग का टॉपिक है नोमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम, जो कि आप पढ़ोगे जब अपना होल बायोलॉजी तो आपको बीच बीच में साइंटिफिक नेम सारे का आता रहेगा, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम आएगा तो कुछ जो इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है और आपको बताना है, ठीक है। जैसे सबसे फर्स्ट हम लोगों ने एनिमल के साइड का यूज किया है, ठीक है। तो एनिमल में हम लोग को देखना है, लिखा है कोबरा। तो आपको रूल हम पढ़ाए होंगे, याद होगा कि इन केस ऑफ हैंड रिटेन बोथ द नेम स्पीसीज एंड जीनस नेम विल बी सेपरेटली अंडरलाइंड। उसको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइंड करेंगे। तो हमारा जैसे कोबरा, कोबरा का नाम है नाजा नाजा, ओके। फिर है कॉकरोच, कॉकरोच का नाम है हम लोग का पेरी प्लेमेटा अमेरिकाना, ठीक है। तो अंडरलाइन कर देंगे दोनों को सेपरेटली। फिर है डॉग, डॉग का है कैनिस फैमिलियरिस। टाइगर, पैंथर टिग्रिस। लायन का पैंथर लियो, ठीक है। मैन, होमो सेपियंस। फ्रॉग, राना टिग्रिस। टेपवॉर्म, टैनिया सोलियम। जब पढ़ेंगे हम लोग एनिमल किंगडम तो हम लोग को बहुत सारा नाम इसमें से आएगा। जैसे हम लोग पढ़ेंगे टैनिया सोलियम के बारे में, जब टेपवॉर्म आएगा तो पूरा डिटेल पढ़ना है, उसके माउथ का स्ट्रक्चर ये सारा, ठीक है। फिर हम लोग के पास आया अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म का है फेरिटीमा पोस्थोमस। फिर रैट, रैटस रैटस। एलिफेंट, एलिफेस मैक्सिमस, ठीक है। इसी तरह कुछ 10 नाम हमने प्लांट का आपको लिखा है, तो प्लांट का है जैसे मैंगो, पढ़ाए भी थे, मैग्नीफेरा इंडिका। ओनियन, एलियम सेपा। पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोशम। वीट, ट्राइटिकम एस्टिवम। मस्टर्ड, बारासिका कॉम्पेट्रिस। मेज, जी मेज। नीम, एजा डिरिक्टा इंडिका। कैबेज, बारासिका ओलेरेशिया। पी, पीशम सैटिवम। कैरोट, कैरोट का है डैकस कैरो। ये सारा नेम है हम लोग का जिसको हम लोग को देखना है, तो आप लोग इसको नोट भी कर ले ताकि आपको मिले तो आप यूज कर सके इसका, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम जो कि आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है जिसका यूज किया जाता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो यूज करते हैं उसमें जैसे नाम दिया हुआ है हम लोग का आई सी जेड एन, फिर है आई सी बी एन, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलोजिकल नोमेनक्लेचर। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि क्वेश्चंस आते भी हैं और आपको पता होना चाहिए कि ICZN जब हम लोग रूल ऑफ नोमेनक्लेचर में जब हम लोग जूलॉजी का नाम यानी कि एनिमल का नाम लिखेंगे तो ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब एक है इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर।
क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। जब हम लोग बैक्टीरिया का नेमिंग करेंगे तब क्या टर्म यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ICBACN, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर हम लोग इसका टर्म यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा टर्म्स आपको आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत सारा नेम में, जैसे एक नेम और आता है ICNCP, तो ICNCP जो होता है ये होता है हमारा इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टीवेशन नोमेनक्लेचर। क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टीवेशन नोमेनक्लेचर। तो कल्टीवेशन नोमेनक्लेचर की जब बात करते हैं तो कल्टीवेटेड प्लांट के फॉर्म में आता है इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टीवेशन नोमेनक्लेचर, या इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट कर सकते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट ICNCP ये टर्म यूज करते हैं। तो चार फॉर्म आया, एक ICZN याद रखना है, ICBN याद रखना है, ICBACN याद रखना है और ICNCP याद रखना है, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर के लिए टर्म, ठीक है। ये आपका टर्म है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों को याद रखना है। अब यहां देखेंगे टूल्स फॉर स्टडी टैक्सोनॉमी। टूल्स फॉर स्टडी टैक्सोनॉमी इसमें कौन कौन सा टूल्स, तो सबसे पहला नंबर पढ़ेंगे हर्बेरियम। हर्बेरियम, ठीक है, टूल्स में हम लोग को देखना है हर्बेरियम। देखिए हर्बेरियम होता क्या है समझते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं जा रहा था कहीं, मुझे एक लीफ मिला, ठीक है, उस लीफ के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने क्या किया, उस लीफ का स्टडी किया। तो सबसे पहले उस लीफ को स्टडी करने के बाद उसका सारा डिटेल लिखा, लिखने के बाद उस लीफ को ड्राई कर दिया, ड्राई करने के बाद उसको प्रेस कर दिया, प्रेस करने के बाद एक ट्रांसपेरेंट पैकेट में पैक करके और एक बुक में पेज पे स्टेपल कर दिया, और स्टेपल करके उसका डिटेल जो था बगल के पेज में लिख दिया। लिखने के बाद उसको स्टोर्ड कर दिए एक ड्रॉअर में, मतलब एक जगह था, एक रैक बना हुआ था, उसमें उसको रख दिया गया। तो एक स्पेशल रूम होता है जहाँ पर प्लांट के स्पेसमेन के डिटेल्ड होते हैं, एक रूम है जिसमें प्लांट के स्पेसमेन के डिटेल रखे हुए हैं। तो मैंने लिख करके रख दिया, एज फॉर एग्जाम्पल मैंगो का लीफ मिला था, उसका मैंने पूरा डिटेल लिख दिया, फैमिली का नाम, क्लास का नाम, ऑर्डर का नाम, जितना कुछ था, वैरायटी वगैरह सारा कुछ। अब ना नेक्स्ट टाइम मान लो आपको वो लीफ मिला कहीं, अब आपको पता नहीं है, अब आप स्टडी तो हर बार किया नहीं जा सकता है, परेशानी है, मुश्किल है, टाइम लगता है, तो आप क्या गए, पहुंचे इस रूम में जो रूम था जिसमें रखा गया था, उस लीफ को लिए और उससे रिलेटेड जो आपको मिला उसको आपने निकाला कि इस टाइप का वेन वाला का ये बुक रखा हुआ है, आपने निकाला, उसमें आपको मिला लिखा हुआ कि ये लीफ जो था उसका सारा डिटेल देखे, मैच कराए तो मैच कर गया, मतलब वो किसका था, मैंगो का था। तो जब आप किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को किसी एक रूम में स्टोर्ड करके रखते हो रेड डाटा बुक में, उसी को हम लोग बोलते हैं हर्बेरियम। क्या बोलते हैं, हर्बेरियम, ठीक है। तो हर्बेरियम के लिए यहाँ पे आता है कि हर्बेरियम का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया या कोई रिलेटेड पॉइंट हो गया कि हर्बेरियम के लिए क्या पॉइंट यूज किया जा सकता है, तो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं हर्बेरियम के लिए। तो हर्बेरियम को बोलेंगे बेल कलेक्टेड। हर्बेरियम क्या हमारा, हर्बेरियम इज द कलेक्शन ऑफ बेल प्रेस्ट ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट माउंटेड। बेल प्रेस्ट ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट माउंटेड ऑन हर्बेरियम सीट प्रॉपरली लेवल्ड एंड सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। प्रॉपरली लेवल्ड एंड सिस्टमेटिकली अरेंज्ड एंड अवेलेबल फॉर रेफरेंस। सिस्टमेटिकली अरेंज रहेगा और अवेलेबल रहेगा रेफरेंस के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बेरियम बोलेंगे। ओके, तो इसका डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूं। डेफिनेशन लिखा है आपका हर्बेरियम का, इट इज द कलेक्शन ऑफ बेल प्रेस्ड ड्राइड एंड
preserved plant mounted in herbarium seat properly arranged and available for reference. ये है हमारा herbarium. Okay. अब कुछ herbarium के name है जो कि questions में आते हैं और उसके कुछ points होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे. हर्बेरियम के नेम में इंडियन हर्बेरियम का नाम यहाँ पे है, ठीक है. जैसे इंडियन हर्बेरियम में नाम है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कहाँ पे है, कोलकाता में. लेकिन लोकेशन से क्वेश्चन अगर आता है तो वेस्ट बंगाल. और टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं, 2 लाख. सेकेंड है हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, लोकेशन है उत्तराखंड, 3 लाख स्पीसीज टोटल है. फिर है रीजनल हर्बेरियम ऑफ BSI पुणे, कहाँ पे है लोकेशन, महाराष्ट्र, टोटल 12,000 स्पीसीज है. रीजनल हर्बेरियम ऑफ सिलोंग, मेघालय में पड़ा लोकेशन, 86,000 है. हर्बेरियम ऑफ NBRI लखनऊ यूपी में 80,000 स्पीसीज है. मद्रास हर्बेरियम कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, वो 1.5 लाख स्पीसीज है. यानी कि ये सारे इंडियन हर्बेरियम के नेम आपके दिए गए हैं जो कि आपको ध्यान में रखना भी है. तो सेंट्रल हर्बेरियम, नेशनल हर्बेरियम, हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट, तो कहाँ कहाँ लोकेशन है, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, यूपी, तमिलनाडु, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज दिए गए हैं. ये इंडियन हर्बेरियम के नेम है, ठीक है. तो हम लोग के इसी तरह के बहुत सारे टूल्स पढ़ने हैं. हर्बेरियम के बाद हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, बायोस्फीयर रिजर्वायर, इस तरीके से बहुत सारे टूल्स हैं हम लोग के पास. ओके, सेकेंड नंबर टूल्स है हम लोग का बोटानिकल गार्डन. सेकेंड टूल्स हमारा क्या है, बोटेनिकल गार्डन. प्लांट के जो मतलब ऐसा प्लेस जहां पे प्लांट स्पीसीज को सस्टेन करके रखा जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन. अगर हम लोग अपने एक लेंगे तो एक बोटेनिकल गार्डन हम लोग का है संजय गांधी बोटेनिकल गार्डन भी हम लोग का है, जो संजय गांधी जूलॉजिकल पार्क के अंदर मिलता है पटना में, बिहार में है, ठीक है. तो बोटेनिकल गार्डन में हम लोग को ध्यान में रखना है कि प्लांट के जो स्पीसीज होंगे उनको प्रिजर्व करके, यानी कि उनको लिविंग कंडीशन में प्रिजर्व करके रखा जाएगा, उसके स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए जो हम लोग करते हैं, तो इस जगह के प्लेस को बोलते हैं हम लोग बोटेनिकल गार्डन. इसमें हम लोग को नंबर 1 पे देखना है, हमारा लिखा हुआ है पीसा बोटेनिकल गार्डन, कहाँ पे है, इटली में है. नंबर 2 पे ऑक्सफोर्ड बोटेनिकल गार्डन, इंग्लैंड में है. रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में भी है और स्कॉटलैंड में भी है, ठीक है. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोटेनिकल गार्डन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोटेनिकल गार्डन, तो कैम्ब्रिज जो है, अगर नॉर्मली बात करते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, तो आपको पता है कि कैम्ब्रिज कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, तो क्या पे हो जाएगा, इंग्लैंड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोटेनिकल गार्डन. दार्जिलिंग बोटेनिकल गार्डन, ये दार्जिलिंग में है. नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है. लाल बाग बोटेनिकल गार्डन बेंगलुरु में है. एंड आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन, ये हमारा कोलकाता में है, ठीक है. तो ये टोटल हमारे इतने बोटेनिकल गार्डन है, ठीक ना. अब इसमें से जो आपको ऊपर का 4 नाम दिया हुआ है वो फॉरेन है और बाकी जो 4 नाम लिखा हुआ है वो इंडियन है. तो सेकंड हमारा हो गया बोटेनिकल गार्डन. थर्ड है जूलॉजिकल पार्क, यानी कि जहां एनिमल को कंजर्व करके रखा जाएगा, मतलब कि उनके एक्सटिंक्ट स्पीसीज तक नहीं पहुंचने के लिए या जो एक्सटिंक्ट होने के डेड लाइन पे उन लोगों को बचाने के लिए जहां हम लोग उसको रखते हैं, उस जगह को बोलते हैं हम लोग जूलॉजिकल पार्क. तो थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे, यहां से हम लोग को पढ़ना है जूलॉजिकल पार्क. थर्ड नंबर पे हमारा है जूलॉजिकल पार्क. तो जूलॉजिकल पार्क में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का क्या क्या आता है, कौन कौन सा पॉइंट है. अब यहां से हम लोग देखेंगे जूलॉजिकल पार्क के बारे में, देखेंगे कैसे कैसे हम लोग का जूलॉजिकल पार्क है, उसका हम लोग क्या करते हैं. तो जूलॉजिकल पार्क में हम लोग के पास नंबर 1 पे है, थर्ड हम लोग का है जूलॉजिकल पार्क. जूलॉजिकल पार्क में नंबर 1 एलीपोर जूलॉजिकल गार्डन, एलीपोर जूलॉजिकल गार्डन, एलीपोर जूलॉजिकल गार्डन वेस्ट बंगाल कोलकाता, तो कोलकाता में मिलता है हम लोग को. दूसरा है एरिग नगर, एरिगनर, एरिग नर जूलॉजिकल पार्क. एरिगनर जूलॉजिकल पार्क जो है वो चेन्नई. थर्ड है असम स्टेट जू,
असम स्टेट जू गुवाहाटी, ठीक है। उसके बाद है जयपुर जू, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जयपुर जू। जयपुर जू है तो कहाँ पे मिलेगा, जयपुर, और ये कहाँ पे है, एपी आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, ये जयपुर। नंदन कानन जू, नंदन कानन जू जो है हम लोग का वो है भुवनेश्वर ओडिशा। पीटी जीबी पंत, पीटी जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड जू, ये हमारा उत्तराखंड में है। तो जितने सारे भी इम्पोर्टेंट आपके जूलॉजिकल पार्क है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये जूलॉजिकल पार्क कहाँ बताएं, जहाँ एनिमल को हम लोग रखेंगे, किसको रखेंगे, एनिमल्स को रखेंगे। आप नाम भी जानते होंगे, देखे भी होंगे बचपन में, जू जाते हैं, ठीक है। तो वही जूलॉजिकल पार्क है, कुछ नाम आपको लिखे हैं इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, हरिनगर जूलॉजिकल पार्क, असम स्टेट जू, इंदिरा गांधी जू पार्क, जयपुर जू, नंदन कानन जू एंड पीटीजीबी पंत हाई एटीट्यूड जू, ये सारे नाम लिखे हुए हैं जूलॉजिकल पार्क के। तो तीन टूल आपको पढ़ाया गया, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। ओके, नोट। फोर्थ नंबर हम लोग के पास देखना है म्यूजियम। आपको पता है जो भी पुराने सब्सटेंस होते हैं, पुराने ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हम लोग जहाँ स्टोर करके रख देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं म्यूजियम। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप गए भी होंगे, जैसे पटना म्यूजियम जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, पुराने जो राजा महाराजा होते थे उनके तलवार, उनके भाला, उनका ढाल, उनका लिखा हुआ पत्र, ये सब चीज मिलता है। तो इन सब चीजों को, ओल्ड ऑब्जेक्ट को, ओल्ड मोनो ओल्ड सब्सटेंस को जब जहाँ हम स्टोर करके रखते हैं, ओल्ड करने का मतलब कि अब वो आगे वैसा नहीं मिलने वाला है, ठीक है, उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं म्यूजियम, ठीक है। और लास्ट हम लोग को इसमें देखना है टैक्सोनॉमिकल एंड, क्या देखना है, टैक्सोनॉमिकल एंड, नाम से ही काफी है, टैक्सोनॉमी का स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स को, किसी भी पॉइंट्स को जब हम बताएंगे, एड का मतलब आपको पता ही है कि प्रचार होता है, तो हम उसके एग्रीकल्चर के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से, फॉरेस्ट के हिसाब से जब उसके इक्विपमेंट का स्टडी करते हैं तो वो होता है हमारा टैक्सोनॉमिकल एड। एंड एक है पॉइंट की इज द अनदर टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड, यानी कि टैक्सोनॉमिकल स्टडी का टूल्स है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कपल, जैसे हमारे पास कोई भी पार्टी, कोई भी एनिमल है, कोई भी स्पीसीज है, उसका कपल कैरेक्टर मेरे पास रहेगा। कहने का मतलब हुआ कि या तो उसके प्लांट और एनिमल है या कोई दो एनिमल है, तो उनका सिमिलरिटीज नहीं तो क्या रहेगा, डिससिमिलरिटीज रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं की, क्या बोलते हैं, की। तो जब सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि की क्या है, तो हम लोग का डेफिनेशन निकल के आता है, इन टैक्सोनॉमिकल स्टडी की इज द सेट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर, की इज द सेट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर that help in, key is the set of alternate character that help in the identification of plant and animal. Key क्या है, set of alternate character है जो plant के specimen का, यानी कि plant का और animal के identification में help करता है। तो जब plant और animal का identification करना है तो उसका similarities या नहीं तो dissimilarities पता होगा तब करेंगे। तो total हम लोगों ने पढ़ा 4, 5 और 6, total कितने tools है हमारे पास, 6 tools है। इस चैप्टर को आपको एनसीईआरटी बुक को आप लोग एक बार क्या करेंगे, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है आपको, उस बुक को पढ़ेंगे, आपका चैप्टर वन जो पढ़ना था हम लोग को द लिविंग वर्ल्ड, उसका सारा पार्टिकल जितना भी कंटेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, थैंक यू।